क्या हिंदू हिंदुत्व के विरोध में है हेमंत की सरकार? ये सवाल क्यों? झारखंड पूछ रहा है ये सवाल। झारखंड के हजारीबाग प्रशासन ने रामनवमी के जुलूस में डीजे बजाने पर रोक लगा दी। अब इसको लेकर राजनीति हो रही है। बीजेपी के कई विधायकों ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा के बाहर जमकर विरोध किया। हजारीबाग जिला प्रशासन ने डीजे पर प्रतिबंध के मुद्दे पर हजारों लोगों को नोटिस जारी किया है। बीजेपी ने इस पर अपना एतराज जताया है, नाराजगी जताई है। बीजेपी ने विधानसभा में भी अपने ही अंदाज से, आक्रामक अंदाज से इस मामले को उठाया। वहीं कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने और लोगों को गुमराह करने का आरोप चस्पा कर दिया। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। झारखंड के हेमंत सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है जिसने प्रदेश की सियासत की सियासी भूचाल ला दी है। इस फरमान के बाद सड़क से संसद तक हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष आग बबूला है और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस फरमान के बाद प्रदेश की जनता ने भी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल हेमंत सरकार की तरफ से रामलला के जन्मोत्सव यानी रामनवमी पर हर साल हजारीबाग में होने वाले जुलूस और उसके दौरान बजने वाले डीजे पर बैन लगाने का फरमान क्या जारी किया, उसके बाद डीजे पर सियासत झूमती दिख रही है। आपको बता दें कि हजारीबाग में हर बार रामनवमी का त्योहार बेहद खास अंदाज से मनाया जाता है। ऐसे में सरकार के इस फरमान ने प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है, जिसका असर बजट सत्र के दौरान देखने को मिल रहा है। बजट सत्र के दौरान मंगलवार को वेल में पहुंचकर हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल ने अपना कुर्ता फाड़ दिया। उन्होंने कुर्ता फाड़ते हुए कहा कि क्या इस राज्य में हिंदू होना अपराध है और ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दो चीज एकदम स्पष्ट दिख रहा है हम लोगों को। एक तो राम के नाम पर कांग्रेस का वोट तमाम करने का काम भी जेएमएम कर रही है, ये भी चल रहा है, और साथ ही साथ हम लोगों का विरोध करके एक तबके को खुश करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, दिख रहा है, ये एकदम साफ है, स्पष्ट दिख रहा है हम लोगों को। तो क्या हम लोग मूक दर्शक बनकर के बैठे रहेंगे? ये करोड़ों हिंदुओं का केवल यहाँ इस राज्य में नहीं, पूरे देश में करोड़ों हिंदुओं का विषय है। अब तो छोटा भी फाड़ लिया, काट भी लिया, डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा? देखिए, ये आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं ये मेरे लिए बहुत गंभीर विषय है। कुत्ता फाड़ना कोई हमारा शौक नहीं है, ये एक लाचारी, एक मजबूरी है, एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है, और अंतिम दिन तक ये प्रोटेस्ट चलते रहेगा जब तक कि हिंदुओं का सम्मान, वो राइट और वो जो पहचान है हजारीबाग की रामनवमी की, वो नहीं मिल जाए। वहीं इस पर जामजड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने मनीष जायसवाल के सवालों का जवाब देते हुए उनके झारखंडी होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे, हमारे मुख्यमंत्री इन सारी बातों पर गंभीर है। ऐसा कोई रामनवमी का पर्व नहीं हुआ जिसमें बीजेपी ने दंगे ना करवाए हो। जब रघुवर दास की सरकार थी तब इन्हीं मनीष जायसवाल ने रुत बदल दी और दंगा करवाया। अब सवाल ये है कि दंगे को रोकने का ये सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि सालों से चले आ रहे रामनवमी के जुलूस पर रोक लगा दी जाए। सवाल ये भी है कि रामनवमी के जुलूस पर ही रोक क्यों? क्या ये हिंदुओं की आस्था पर आघात नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो क्या हिंदुत्व के विरोध में हेमंत की सरकार? राम के नाम पर क्या ये फरमान जायज है? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ, लेकिन एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हर्ष जी जुड़े हुए हैं जो कि अध्यक्ष हैं रामनवमी सांस्कृतिक सेवा समिति के, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे प्रतुल सहदेव जो कि बीजेपी के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक हैं, और साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि कांग्रेस के नेता है। लेकिन शुरुआत हर्ष जी मैं आपके साथ करना चाहूंगा, कैसे हैं आप? नमस्कार। हर्षी, क्यों इतना ज्यादा बवाल हो रखा है इस बात को लेकर? क्या वाकई डर इस बात का है कि दंगे ना फैल जाए, या वजह कुछ और है?
देखिए दंगे की बात नहीं, कोविड के गाइडलाइंस के बाद रामनवमी को जिस तरह का सर रोक दिया गया था, प्रशासन और सरकार ऐसा चाह रही है कि जो पहले से है उसको उसी तरह से चलते रहने दिया जाए, पर आज के माहौल के हिसाब से जब कोविड का कोई भी असर नहीं है तो क्यों नहीं ये जो प्राचीन से जिस तरह से ये 15-20 सालों से डीजे का प्रचलन और बाकी टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग अपना रामनवमी महोत्सव मना रहे हैं उसको क्यों नहीं बनाने दिया जाए, बस इसी पर सवाल हो रहा है। हर्षी, वजह क्या है, आपको क्या लगता है इसके पीछे? देखिए वजह तो जो प्रशासन की तरफ से आ रहा है वही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस और ये कोविड का बात है, यही सब चीज को लेते हुए चीजों को आज तक ऐसे लाया जा रहा है, और ये भी नहीं बोला जा रहा है कि आप नहीं करें अपना महोत्सव बनाए सब कुछ हो, पर जहां तक कि डीजे की बात है बोला गया है आप ताशा और चोंगा बजाए, तो मेरा ये बोलना है कि जो आज के टेक्नोलॉजी है लोग आज टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं, आज ताशा लोगों के पास इतना नहीं है और ताशा वाले लोग इतना नहीं बजा पाते हैं, आप लगातार देखेंगे 36 से 40 घंटा हजारीबाग में रामनवमी महोत्सव बनाया जाता है, इसमें लगातार ये बजाना मुश्किल है, तो इसी को देखते हुए इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया, सब्स्टिट्यूट में ये डीजे बन सामने आया जो कि लगातार आदमी 40 घंटा तक बजाते हैं, जिसको यूज कर सकता है आदमी चला सकता है, तो जब टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया बढ़ रही है तो लोग टेक्नोलॉजी के साथ धर्म को भी आगे बढ़ा रहे हैं, पर इसमें ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि डीजे चलाने से आपका कुछ वैसा हो जाता है। क्या क्या कार्रवाई की है प्रशासन ने अब तक? कार्रवाई तो प्रशासन ने ये की है कि अब ये डीजे प्रचलन डीजे पर बंदिश है अभी तक के लिए, और जो लाउड स्पीकर है ये सब सब चीजों सुनने में आया, कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। नोटिस फर्स्ट डे जो पहला मामला था, फर्स्ट मामला जो हुआ करता था उसमें 144 धारा लगाया गया था, तो 144 धारा के नियमानुसार बहुत लोगों को नोटिस दे दिया गया था कि 44 धारा जो आप जानते हैं 4 से 5 लोग से ज्यादा नहीं रहते हैं, पर उसको जो लोगों ने अपना प्रोटेक्ट के लिए वो रोड पे आए थे, पर वो उसके कारण प्रशासन ने ऐसा कर दिया, उसकी मांग चल रही है प्रशासन से कि आप इसको देखकर बंद किया जाए, 144 धारा पर है जो लोगों पर कोई ऐसा दंगा और ये चीज तो नहीं था, भड़काऊ बात नहीं दिया गया था, लोग अपने खाली महोत्सव को बनाने के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बस उसी का बात है, तो जो उसमें 144 में फिर बाद में अभी संशोधन भी किया गया है जिसकी कॉपी हमारे पास भी आई है, तो उसमें बोला गया है साफ साफ कि जो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग आगे विचार कर रहे हैं। ठीक हर्षी, मैं एक और छोटा सा सवाल, फिर उसके बाद हमारे पास दोनों राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। ये जो स्टैंड लेने की बात आप कर रहे हैं, अब आगे क्या? अब आगे देखिए, आगे यही है कि जो परंपरा चली आ रही है बस हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग कर रहे हैं कि उसी को करा जाए। हाँ ठीक है, कुछ शर्तों के साथ, कुछ बीच के रस्ते के साथ आए, जैसे उनका बोलना है कि अश्लील गाने बजाए जाते हैं, ये किसी और समुदाय को छेड़ने के लिए कुछ भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं, हम भी उस प्रशासन के साथ है, हम ये नहीं बोल रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी ठेस पहुंचाना कोई हमारे धर्म में या किसी में नहीं कहा गया है और हम चाहते भी नहीं है, तो उस पर हमारा कहना है कि प्रशासन उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उस पर हम आपके साथ प्रशासन के साथ है, पर ये भी बोले कि आप लोग रतुल सहदेव जी और लक्ष्मी नारायण तिवारी जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रतुल जी, कांग्रेस का ये इल्ज़ाम है और जेएमएम का और सरकार का कि जहां राम का नाम होता है वहां आप सियासत में कूद पड़ते हैं। देखिए तिलक, ये सरकार तुष्टिकरण में कितनी ज्यादा लिप्त है ये सिर्फ चंद उदाहरण से आपको पता चल जाएगा। जिस समय लॉकडाउन हुआ था तो उस समय एक अल्पसंख्यक बहुल महल्ला हिंदपीढ़ी, उसमें लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, सीआरपीएफ के डीएसपी का सर फोड़ दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी लॉकडाउन के समय एक हिंदू फल दुकान लिखकर जो बेच रहा था अपने फलों को जमशेदपुर में, उसको पकड़कर जेल में भेज दिया गया, जबकि उसी इलाके में मुस्लिम होटल चलता रहा, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। हिंदी को जो प्रतियोगिता परीक्षाएं थी उसके मुख्य भाषा से हटा दिया गया और उर्दू को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। राज्य के अनेक सरकारी विद्यालय हैं जो सामान्य विद्यालय थे उनमें जबरन उर्दू शब्द जोड़कर उनको उर्दू विद्यालय की संज्ञा दे दी, हालांकि इस पे कोई सरकारी नोटिस नहीं है, और फ्राइडे को छुट्टी कर दी गई संडे के जगह, और जो प्रार्थना की पद्धति थी हाथ जोड़कर तिलक उसको भी सरकार ने बदल दिया। ये वही सरकार है जिसमें आईएएस अधिकारी खुलेआम कहते हैं मैं एक मुस्लिम आईएएस अधिकारी हूं, और विधायक को नसीहत देते हैं कि साहब आप भी थोड़ा सोच समझ के काम करो क्योंकि आप भी मुस्लिम वोट से जीत कर आए हो। देखिए तिलक, इस प्रशासन का एक तरफा जो निर्णय है रामनवमी में और उसके बाद सरकार का यू टर्न,
मैं आपको बताऊंगा सरकार ने कैसे यू टर्न किया। पहले प्रशासन ने निर्देश निकाला कि सब तरह के डीजे पे बैन होगा। आप सब ब्लैंकेट बैन कैसे कर सकते हो, आप किस तरीके के किस कानून के तहत करते हो। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि जो जुलूस का मार्ग है वो निर्धारित मार्ग चलिए, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ही दिन पहले देवघर में इन्होंने क्या किया था, देवों के देव महादेव का जिस दिन शुभ बारात था उस दिन इन्होंने रास्ते को बदल दिया था और पूरे शहर में 144 लगा दिया था। जब मामला उच्च न्यायालय पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप कैसे शुभ बारात के दिन ये सुनिश्चित करेंगे कि 5 से ज्यादा श्रद्धालु जमा नहीं हो, ये तुष्टिकरण है। देखिए तिलक, ये जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हैं, मैं आपको उसकी कॉपी दिखा रहा हूँ। एक सेकंड, लेकिन प्रतुल जी माहौल खराब हुआ, गारंटी आप लेते हैं? नहीं, गारंटी तो प्रशासन लेगा ना। अगर आप देखिए रोड में कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो क्या आप रोड में वाहनों का चलना बंद कर देंगे या आप सुनिश्चित करेंगे कि वाहन सुरक्षित तरीके से चले? अगर किसी, देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सिर्फ तिलक 10 सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साफ है, ये 2005 का ऑर्डर है कि द नॉइज पब्लिक एड्रेस सिस्टम और एनी अदर नॉइज सोर्स इज बीइंग यूज शैल नॉट एक्सीड 10 डेसिबल यूनिट अबव द एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड। अब डीजे पे बैन इन्होंने क्यों कर दिया? अगर इनको सर्वोच्च न्यायालय का आदेश को अगर अनुपालन कराना था तो 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक जो मना है उसको अनुपालन कराते। 10 डेसिबल तक की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है, फिर आपने डीजे पे ब्लैंकेट बैन क्यों किया? 5000 लोगों पे 107 का नोटिस दिया गया है। आप सोचिए हजारीबाग का, ये ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में आया है, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। रामनवमी के जुलूस से पहले 5000 लोग, आपको लगता है 5000 दंगाई एक ही विशेष समाज से? तो ये जो प्रशासन का एक तरफा निर्णय है, हम इसका विरोध करते हैं। ओके, मतलब तिवारी जी झारखंड में रामनवमी नहीं मनेगी, रामनवमी मनाना अपराध है? कौन कहता है तिलक जी, पहले तो चैत्र प्रतिपदा के 9 वर्ष की हार्दिक बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी प्रतुल जी, सबों को। दूसरी बात ये, आपने कहा कि क्या रामनवमी मनाना, क्या कहा फिर दोहराइए? रामनवमी मनाना अपराध है क्या झारखंड में? किसने, डीजे नहीं बजा सकते? मैं रामनवमी मनाता हूँ, किसने कहा यह अपराध है? लेकिन कानून के अनुपालन की तो सख्ती रहेगी ना, आपको कानून तोड़ने की छूट नहीं दी जाएगी। किसने कानून तोड़ दिया? कानून व्यवस्था खराब। महाशिवरात्रि में क्या हुआ था? मैंने ये नहीं कहा आपको कि कानून तोड़ दिया। हाँ, आप अर्थ का अनर्थ नहीं लगाई आपने, अर्थ का अनर्थ कहाँ लगा दिया? आप खुद ही तो कह रहे कि कानून तोड़ने की इजाजत, किसने कहा कानून तोड़ दिया? तिलक जी, डीजे बजाना कानून तोड़ना होता है क्या? आप एक बार सवाल कर लीजिए, प्रतुल जी भी अभी बोल रहे थे ना, आप सुने हैं चुपचाप, ऐसे करिएगा तो हम नहीं बोलेंगे। तिवारी जी, जिस दिन प्रतुल जी सत्ता में होंगे तो उनसे भी ऐसे सवाल करूंगा। अरे आप प्रतुल जी से क्या प्रॉब्लम है? तिवारी जी, आप सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के किस ऑर्डर में है कि डीजे नहीं बजना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 10 डेसिबल तक की आवाज जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ये तय किया है, फिर आपके प्रशासन ने डीजे पे बैन क्यों लगाया? और सिर्फ हिंदू धर्म के पर्व के साथ क्यों होता है? जवाब दीजिए तिवारी जी, 5 फीट होना चाहिए, ये आप तय करने वाले कौन होते हैं? तिवारी जी जवाब दीजिए, आप नहीं बोलेगा कोई, मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कोई नहीं बोलेगा। देखिए मैंने कहा कि अभी प्रतुल जी ने चर्चा करी, जो गिनवाई उन्होंने, दो चीज उन्होंने छोड़ दिया, मैं चाहता हूँ वो भी याद करके वो गिनवा दें, नहीं तो मैं बता देता हूँ। एक तो विधानसभा परिसर में नमाज पढ़ना छूट गया इनसे। पांकी में अभी एक मसला हुआ था, हिंदू मुस्लिम किसी बात को लेकर के बातें बढ़ी थी, ये छोड़ दिया इन्होंने। इनको किसी भी प्रश्न पर, किसी बिंदु पर इनसे पूछिएगा, इनसे मतलब प्रतुल जी से नहीं, बीजेपी से। हाँ। तो ये सिवा हिंदू और मुसलमान के, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ऐसा नहीं करिए। कांग्रेस, आप ही सिर्फ और बीजेपी के लोग रामनवमी मनाते हैं, ये बात नहीं है, रामनवमी हम भी मनाते हैं। डीजे बजने के लिए फिर टोका टोकी कर रहे हैं। बीच में नहीं बोलिए, आपकी पार्टी के भाई की तो आप बोलिएगा। नहीं तिवारी जी, विषय वो नहीं है, देखिए आप इफ्तार पार्टी में मनाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। नहीं, इफ्तार में, इफ्तार पार्टी में नहीं, कोई रोकता है क्या आप लोगों को? देखिए, लेकिन जहां रामनवमी का जुलूस निकलने की बात होती है, शिवरात्रि की बात होती है, तो फिर हाय तौबा मच जाता है, क्यों? नहीं, ये लोग मचाते हैं, ये लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं, टीम का काम करते हैं।
आप सोच सकते हैं देवघर महादेव की देव नगरी में देते हैं ये क्यों बारात के दिन चौवाले। आप सुनिए, रामनवमी मनाने का मतलब क्या है? अश्लील गाना बजाना, अश्लील गाना बजा केस कीजिए, जेल डालिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन डीजे कौन बजाता है अश्लील गाना? तिवारी किसने बजाया? जेल में डालिए ना आप उसको। इसका मतलब ये होगा कि जो आप कौन होते हैं डायरेक्शन देने वाले? आप जो बोलेंगे वही बोलूंगा मैं, ऐसा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि धार्मिक अनुष्ठानों में तिलक जी धार्मिक कार्यक्रम में मनमानी की छूट नहीं मिलेगी। शासन चल रहा है यहाँ, कोई नहीं है। जो आयोजक है उनसे पूछ लेता हूँ ना, जो अध्यक्ष है रामनवमी सांस्कृतिक सेवा समिति के उनसे पूछ लेता हूँ सर। मैं आपके सामने एक मिनट सर, आपने कहा ना अश्लील गाने बजते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ कौन से अश्लील गाने बजते हैं। एक मिनट तिवारी जी, आपने बोला शिष्टाचार में रहे, आप भाई साहब को सुने, उनका पक्ष को भी आप सुने। एक मिनट सर, मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, आपने कहा ना पिछले 98 साल से यहाँ पर रामनवमी बनाया जा रहा है और बहुत महत्व बहुत बहुत भव्य रूप से बनाया जाता है, इसके लिए कोई भी नहीं मना कर सकता है। पर हमारा बोलना है, जब से ये कोविड गाइडलाइंस आई है, सरकार जब से नहीं आई है, तब उसके बाद से ये जो प्रचलन आया है कि इसको बेसिकली हिट किया जा रहा है। मेरा सवाल वही है जो बात तिवारी जी ने कही, क्या वहाँ पर अश्लील गाने बजते हैं क्या डीजे पे? नहीं, अश्लील गाने बजे तो आप गलत बोल रहे हैं। देखिए सुनिए, आज तो एक से एक सरकार एक से एक गाने आ गए। हम लोग तो सरकार से ये भी बात एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि आप पेन ड्राइव पे गाने डाल के दे, जो गाने आप देंगे वही बजाएगी। आप भी कर दीजिए, आप पिक कर दीजिए गाने की 30 गाने 32 गाने जो 20 गाने वही गाने सारे डीजे बजाएंगे। सुना तिवारी जी, आप मुझे ये बताएंगे तिवारी जी, एक मिनट तिवारी जी, आप मुझे सुनाएंगे और बताएंगे ये अश्लील गाने कहां और कब कैसे बजाएंगे? सुनिए, इन्होंने आप भड़काने वाली बात कर रहे हैं तिवारी जी। यहाँ बैठ के जब से कोविड आया है इन्होंने कोविड का नाम लिया। मैं धन्यवाद देता हूँ सर आपको, ये 98 साल से कोविड आया है, रामनवमी का जो सरकार है उसके बाद 98 साल से इनकी सरकार थी। बोलो क्या पिछले 98 साल से रघुवर दास जी थे, अर्जुन मुंडा थे, रामनवमी का ये जो अभी कोविड आया है, कोविड 19 आया है, मुझे लगता है आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए कि वहाँ पर अश्लील गाना बजता है। देखिए कोविड 19 ऐसे लोग ही हैं जो कुछ नियम सख्त किए हैं। सर अश्लील गाना कहाँ बजता है? आपने कहा अश्लील गाना बजता है, मुझे बताओ कहाँ बजाए। सर इनको शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी दूसरे धर्म को बढ़ा दिया जैसे हमारे समाज और आदिवासियों के कारण जहाँ होता है धार्मिक मुद्दा भड़काते हैं, उनके धार्मिक मुद्दे भड़काते हैं। इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नीतियाँ नहीं है, सरकार की कोई नियम कानून नहीं है, ये सिर्फ धार्मिक हिंदू मुसलमान जैन और आदिवासी। एक मिनट तिवारी जी, ये क्या हो रहा है झारखंड में? ये क्या कभी हिंदू कभी मुसलमान कभी आदिवासी कभी जैन, ये क्या हो रहा है? कभी महाशिवरात्रि कभी रामनवमी, भावना भड़काते हैं इनके इनके विधायक कुर्ता फाड़ते हैं विधानसभा में सर, इनके विधायक लिख के जाते हैं विधायक हमारे आपके विधायक माननीय अध्यक्ष जब इनको डायरेक्शन देते हैं
कि कुर्ता टी-शर्ट बदलिए, कानून का पालन नहीं करते। आपके ये हिंदू और मुसलमान की भावना भड़काते हैं, ये कभी आदिवासी हो जाए कभी जय श्री राम का नारा लगाते हैं। आज जय श्री राम का नारा तिलक जी मुसलमान पर कर दी, जब हनुमान ने कहा कि सनातनी जो है मिट्टी का तेल का जुलूस में जय श्री राम की दिक्कत है क्या? हनुमान जी आपने माफी मांगी कहे थे, बीजेपी वालों को शर्म नहीं है। हर्षी एक मिनट, हर्षी का ऑडियो, हर्षी सरकार सरकार की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो बात तिवारी जी कह रहे हैं, अब बीच का रास्ता क्या निकलता है? बीच का रास्ता यही है कि सरकार इस पर बैठ के हम लोगों से विचार करे। और जहां तक कि गाने की बात, हम लोगों ने बोला है कि गाना आप लोग खुद से चॉइस करके पेन ड्राइव में दे, वही गाना बजाने के लिए हम लोग तैयार है। और हम लोग इस बार मैं अपने खुद से एक संस्कृति जी, आप बधाई के पात्र हैं, इनको तो सिर्फ हिंदू मुसलमान का भावना भड़काना है, कभी आदिवासी और जन की भावना भड़काते हैं, कभी टी शर्ट पहन के चले आते हैं, उसका फर्क है विधानसभा में ये सिर्फ तिवारी जी आपको फिर बुरा लगेगा। तिवारी जी राजनीति का तिवारी जी एक मिनट रुक जाइए ना, तिवारी जी कोई कोर्ट पर जाना तो नहीं पहन रहा था, एक मिनट रुक जाइए सर, धर्म की राजनीति नहीं हो तिवारी जी, झारखंड में नहीं चलेगा। तिवारी जी उनको तो बोलने दीजिए, अभी आपके बीच में अगर प्रतुल जी बोलने लगे फिर आप हाय तौबा कर दोगे। धर्म की राजनीति करती है तिवारी जी, हिंदू मुसलमान कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, तिवारी जी आदिवासी, तिवारी जी, तिवारी जी क्या बोल रहे हैं, क्या किया इन्होंने देवघर में, देवघर में इन्होंने क्या किया, आदिवासी आ गया जय का गिरा दिया, क्या किया, ये सिर्फ सेंटीमेंटल उठाते हैं, अश्लीलता अश्लीलता के प्रतीक है, दिमाग ठीक करिए, दिमाग ठीक करिए, अपना दिमाग ठीक कीजिए, ब्लड प्रेशर का दवा खाना मत भूलिए, एक मिनट तो सर, एक मिनट, एक मिनट, हर्षी हर्षी मैं आपका फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, एक मिनट, हर्षी का ऑडियो रहेगा सिर्फ, हर्षी ये कल एक मेहमान ने हमारे कहा कि आप के कार्यक्रम में जेएमएम के नेता आए या ना आए, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके सब देखते हैं, देखिए सब हर्षी हर्षी मैं इसलिए एक दरख्वास्त कर रहा हूं, अगर आपको सरकार सुन रही हो तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इस मंच से? देखिए अपील यही करना चाहेंगे, जिस तरह संस्कृति हम लोग का हर विभाग में पिछले सालों से चला आ रहा है उस पर चेपा करे, जिस तरह का चले आ रहे हैं उसी को चलने दिया जाए पारंपरिक तरीके से। अभी हम लोग को पिछले मंगला में वहां पर शास्त्र ये सब हम लोग यूज़ हैं, जो लाठी डंडा ये सब लोगों को ले जाना भी बैन कर दिया गया था इस धरने के बाद, और बहुत बिहार जो धरने में बैठे थे और बहुत सारे प्रशासन से बात होने के बाद कम से कम उसकी मंजूरी दी है, पर अभी भी जलन डीजे और ये सब चीजों में रोक लगा के ये अच्छी बात नहीं है कि लोग जो आज एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, बहुत जो गांव से जहाँ झांकियां बन के आती है तो लाइव झांकियां बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जीविका झांकी, उनको अगर साउंड बॉक्स और ये नहीं दिया जाएगा तो उनके चीजों को हम प्रस्तुत कैसे करेंगे, वो अपने चीजों को प्रस्तुत कैसे करेंगे, ढोल नगाड़ा से तो वो चीजों का प्रस्तुत नहीं करते हैं ना, तो इन चीजों को समझना पड़ेगा सरकार। ओके, आप कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, तिवारी जी मौका तो आप ही दे रहे हैं है ना, मौका आप ही दे रहे हैं ना, अगर वो राजनीति कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अश्लील गाने बजते हैं इस तरह की बात थोड़ा सुनिए तो सही, बाकी आपका विवेक सवाल बोलते जाएंगे सुनिए तो। मैं कह रहा हूँ कि जायसवाल जी ने, हमारे भाई जायसवाल जी ने जो बातें कही हैं सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन इनको कहिए कि ये अपनी पार्टी का नजरिया ठीक करें, पार्टी का नजरिया ठीक करें, सिर्फ सेंटिमेंटल बात करते हैं, इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा, तिवारी जी जो बात आपने कही यहाँ हिंदू मुसलमान के अलावा कोई हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करते हैं, कभी आदिवासी और जैन को वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं चाह रहा था तिवारी जी अपने शब्द वापस लें लेकिन आपने नहीं लिए, कि कौन से अश्लील गाने बजते हैं वो जरा सुनाइएगा, जरा हम भी सुन ले अश्लील गाने कहाँ बजते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी का भी, प्रतुल जी आपका भी, और हर्षी आपका भी। तो क्या हिंदुत्व के विरोध में हेमंत की सरकार, ये एक बड़ा सवाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।